Hello, guys, welcome to my channel Patel Science Academy. In this uh, lecture, I welcome you for the chapter number 11 uh, from the 11 Science Standard Biology Subject. Dear students, the name of the chapter is Study of Animal Type, and uh, uh, this is all about the cockroach. and Dear student, this chapter belongs to uh, Biology 2, that is Zoology, and it is having द फोर मार्क्स वटेज विदाउट ऑप्शन एंड सिक्स मार्क्स वटेज विद ऑप्शन सो डिया स्टूडेंट्स दिस चैप्टर इज़ हैविंग सो मेनी लाइक अलेवन पॉइंट वन अलेवन पॉइंट टू अपू अलेवन पॉइंट इलेवन आर देर बट ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक दिसन टू मी केयरफुली सम्यूज फ्राम दिस चैप्टर और वो जो पॉइंट इस चैप्टर से रिमूव किए गए हैं वो पॉइंट आप वो पहले याद रखना है कौन से कौन से पॉइंट है तो वो हम इस साल नहीं पढ़ेंगे वो पॉइंट है एलेवन पॉइंट थ्री एलेवन पॉइंट फोर एलेवन पॉइंट फाइव एलेवन पॉइंट सिक्स एलेवन पॉइंट एलेवन पॉइंट एट एलेवन पॉइंट नाइन एंड एलेवन पॉइंट टेन सो डियर स्टूडेंट्स इन दिस चैप्टर हमको जो पढ़ना है जो टॉपिक हमको Uh, इस साल 2020-21 सेशन में पढ़ना है वो है 11.1, 11.2 एंड 11.11 तो ये तीन टॉपिक ये तीन पॉइंट इस चैप्टर से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स गेट रेडी टू नो अबाउट द पॉइंट नंबर 11.1 एंड 2 तो एलेवन पॉइंट वन स्टूडेंट्स ये टॉपिक देखते हैं ये हैबिट एंड हैबिटेट हैबिट एंड हैबिटेट का क्या मीनिंग होता है पहले मैं आपको बताता हूँ डिया स्टूडेंट्स हैबिट का मीनिंग होता है आपकी जो भी जो आदतें होती है हैबिट्स होती है वो यानी इस एनिमल की हैबिट्स क्या है और हैबिटेट का मीनिंग होता है द प्लेस ऑफ लिविंग हैबिटेट का मीनिंग होता है प्लेस ऑफ लिविंग प्लेस ऑफ़ लिविंग मीन्स जो जिसको हम होम बोलते हैं या घर बोलते हैं या स्टूडेंट्स हैबिटेट उसको बोलते हैं तो हैबिट मीनस आपकी आदत और हेबिटेड uh, मीन uh, आपके रहने की जगह यानी प्लेस ऑफ़ लिविंग यानी आपका घर सो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख रहे हैं हैबिट एंड हैबिटेट्स ऑफ कॉकरोच तो यहाँ पर हम इसका मतलब ये है कि कॉकरोच के यानी जो ये एनिमल है इसकी हम हैबिट भी देखेंगे और हैबिटेट भी देखेंगे तो डियर स्टूडेंट कॉकरोचेस आर अब आपको इसमें मेन मेन पॉइंट जो है मैं बता रहा हूँ उसको नोट करना है और ये ये पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही छोटा सा लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स तो पहला पॉइंट देखते हैं कॉकरोचेस आर ओमनी सो डियर स्टूडेंट्स ओमनी प्रजेंट ये एक नया वर्ड आपके यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ अब ओमनी प्रेजेंट का क्या मीनिंग है डियर स्टूडेंट्स द मीनिंग ऑफ द ऑमनी प्रेजेंट इस मीन्स द प्रजेंट प्रजेंस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम एवरीवेयर ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी इसका मीनिंगे है कि काकरोचेज जो हैं वो दुनिया में हर जगह uh, पाए जाते हैं uh, क्योंकि ओमनी का मीन्स होता है ऑल तो ओमनी प्रजेंट मीन्स प्रजेंट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड ये दुनिया में हर जगह है जैसे आपने देखा होगा कुछ एनिमल ऐसे हैं जो आ, सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलते हैं लेकिन ओमनी प्रजेंट वाले एन, एनिमल जितने भी हैं वो इसका मीनिंग ये है कि ये दुनिया में हर जगह पाए जाती है तो इसका मतलब ये है कि कॉकरोचेस आर प्रजेंट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड दुनिया में हर जगह पाए जाते हैं हर देश में पाए जाते हैं तो डियर स्टूडेंट पहला पॉइंट हमने इसके बारे में देखा इट इज़ ओमनी प्रजेंट दूसरा जो है ओमनी वोरस ओमनी का मैंने अभी मीनिंग आपको बताया ओमनी मीन्स स मीन्स so, uh, ये जो खाते हैं फूड उसके उ, उ, उसका ये मीनिंग उससे रिलेटेड है तो आमनी वोरस मीन्स इट्स बहुत टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स यानी ये वेजिटेबल्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं अगर सिंपल लैंग्वेज में कहो तो ये वेज और नॉन वेज दोनों खाते हैं इसका मतलब ये दोनों टाइप के एनिमल हैं यानी ये नॉन वेज और वेजिटेरियन दोनों भी है यानी ये प्लांट्स और एनिमल्स यानि मीट और वेजिटेबल्स दोनों खाते हैं तो ऑमनी वोरस का मीनिंग आपके समझ में आ गया होगा नॉन वेज और वेजिटेरियन और ऑमनी प्रजेंट का मीनिंग भी आपके समझ में आ गया होगा आई होप सो उसका मीनिंग होता है प्रेजेंट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड उसके बाद तीसरा पॉइंट इसके बारे में देखते हैं नॉकटर्नल डियर स्टूडेंट्स ये वर्ड याद रखिए नॉकटर्नल का मीनिंग होता है एक्टिव एट नाइट स्टूडेंट कुछ एनिमल ऐसे हैं दुनिया में जो नाइट में एक्टिव रहते हैं और दिन में रेस्ट करते हैं और कुछ एनिमल ऐसे मैक्सिमम एनिमल ऐसे हैं जो दिन में यानी डे के टाइम पे जो है एक्टिव रहते हैं और नाइट में जो है रेस्ट करते हैं जिसमें ह्यूमन बीइंग भी आते हैं हम लोग दिन में काम करते हैं और रात में रेस्ट करते हैं बहुत सारे एनिमल आप देखे होंगे कितनी सारी एग्जाम्पल है जैसे लाइन है जैसे कैट है जैसे और बहुत सारे एनिमल है दे आर एक्टिव एट डे एंड दे टेक रेस्ट एट नाइट तो ऐसे एनिमल जो दिन में एक्टिव रहते हैं और रात में सो जाते हैं रेस्ट करते हैं तो ऐसे एनिमल को डायरनल एनिमल बोलते हैं डी आई यू आर एन ए एल डायरनल इसका मतलब ह्यूमन डायरनल है लेकिन कॉकरोचेस डायर्नल नहीं है कॉकरोचेस का मामला जो है उल्टा है कॉकरोचेस जो है नॉकटर्नल है डायरनल नहीं है नॉकटर्नल का मीनिंग क्या होता है जो रात में एक्टिव रहते हैं यानी अपना फूड वगैरह खाने के लिए रात में अपने घर से बाहर निकलते हैं और दिन में वह जो छुपे हुए रहते हैं हाइट कर देते हैं अपनी बॉडी को यानी अपने होल में बिल में जो है छुपे हुए रहते हैं उनको बोलते हैं नॉकटर्नल तो समझ गए आप इसका मीनिंग नॉकटर्नल का मीनिंग क्या है जो नाइट में एक्टिव रहते हैं और दिन में रेस्ट करते हैं दिन में लेजी हो जाते हैं तो कॉकरोच क्या है नॉकटर्नल है टी स्टूडेंट तीन वर्ड अभी तक देखिए ओम न्यू यानी दुनिया में हर जगह प्रेजेंट ओम न्यूवोरस यानी दोनों टाइप का खाना खाने वाले और नॉकटर्नल मीन्स एक्टिव एट नाइट और अब देखते हैं कर्सोरियल कर्सोरियल का मीनिंग मैं आपको बताता हूँ डियर स्टूडेंट कर्सोरियल का मीनिंग होता है दे हैव द लिम्स फॉर रनिंग यानी इनके पास चलने के लिए पैर है, ये पैर हैं यानी ये वॉकिंग लेग्स इनके पास हैं या या तो ये उससे रन कर सकते हैं या तो उससे वॉक कर सकते हैं यानी चल सकते हैं और दौड़ भी सकते हैं तो क्योंकि इनके पास वॉकिंग करने के लिए जो है और रनिंग करने के लिए लिम्स है यानी जैसे अपने पैर होते हैं वैसे उनके छो, छोटे छोटे पैर होते हैं उनको लिम्स बोलते हैं तो इनके पास वो लिम्स है रनिंग और वॉकिंग करने के लिए जिसका वो बहुत रेयरली यूज करते हैं इसलिए इसको कर्सोरियल एनिमल बोलती है तो डियर स्टूडेंट चार वर्ड हमने यहाँ पर देखे ओमनी प्रजेंट आपको मीनिंग इसका समझ में आया होगा मैं इसके क्वेश्चन कर क्वेश्चन जब आप पूछूंगा टेस्ट लूँगा तो इसकी मीनिंग आपसे पूछूंगा या फिर आपको ये सेंटेंस दूंगा तो आपको ये बताना पड़ेगा कि इसके को, इसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है तो आप याद रखिए ओमनी प्रेजेंट प्रजेंट एवरीवेयर इन दर्ल्ड ओमनी बोरस ईट बोथ टाइप ऑफ वेजिटेबल एंड नॉन नॉन वेज नॉक एक्टिव एट नाइट नॉट एक्टिव एट डे एंड कर्सोरियल लिम्स फॉर रनिंग एंड वॉकिंग और डिया स्टूडेंट अब ये भी देख लेते हैं इनका घर कहाँ है यानी इनका हैबिटेट क्या है अभी तो हमने हैबिट देखा है इनकी अब हैबिटेट देख लेते है. हैबिटेट क्या है इट प्रिफर्स द डैम्स एंड moist प्लेसेस एंड crevices टू लीव यानी इनका घर कहाँ है डिया स्टूडेंट ये डैम जगह पर यानी ऐसी जगह जो गीली होती है वेट प्लेसेस होती है जहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी रहता है वहाँ पर जहाँ नमी रहती है मॉइस्ट प्लेसेस पे वहाँ पर ये रहते हैं यानी ड्राई प्लेसेस पे ये कम मिलेंगे जहाँ नमी रहती है टेम्परेचर थोड़ा कूल रहता है वहाँ पर ये मिलेगा आपको एंड क्रिविसेस टू लीव क्रिविसेस मींस जो वॉल्स में और uh, जो किचन वगैरह में अपने जो छोटे छोटे होल होते हैं उसमें जो छोटे छोटे क्रैक्स होते हैं वो क्रैक्स के अंदर छुप कर ये बैठते हैं उसको क्रीविसस बोलते हैं तो इसका मतलब ये किचन में गोडाउन में स्टोर रूम में जो हमारे क्रिविसस होते हैं छोटी छोटी दरारे या छोटी छोटी क्रैक्स होते हैं या होल होते हैं उसके अंदर ये छुप के बैठते हैं वही इनका घर है तो इसका मतलब हैबिटेट आपके समझ में आ जाओगे इनका हैबिटेट है डैम प्लेस मॉइस प्लेस और क्रिविसेस तो डियर स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर अभी देखा ये जो पॉइंट मैंने आपको समझाया हु ये है एलेवन पॉइंट वन देखो डियर स्टूडेंट आप समझ सकते हैं कितना ईजी पॉइंट है और कोरोना पेंडेमिक के कारण आपको कितना इजी टॉपिक इसमें दिया हुआ है तो डियर स्टूडेंट्स आई होप कि ये पूरी की पूरी स्लाइड आपके समझ में आई है पहला पॉइंट ओमनी दूसरा पॉइंट ओमनी वोरस तीसरा पॉइंट नॉक चौथा पॉइंट कर्सोरियल और पाँचवा पॉइंट रिगार्डिंग द हैबिटेट हैबिटेट मीन्स उनका घर कहाँ है डैम प्लेसेस उनका घर है मॉइस प्लेसेस जहाँ पर मॉइस्चर ज़्यादा रहता है वो उनका घर है और क्रीवासिस क्रिविसस uh, जो है यानी जो होल और क्रैक्स होते हैं दीवारों में वॉल्स में और किचन्स uh, में स्टोर रूम में गोडाउन में उसके अंदर जो छोटे छोटे होल या क्रैक्स होते हैं उसमें ये रहते हैं तो ये इनका हैबिटेट है या स्टूडेंट्स उसके बाद देखते हैं दुनिया में कॉकरोच की कितनी स्पेशज़ है देर थ्री कॉमन स्पेशीज ऑफ द ऑफ कॉकरोचेस फाउंड इन इंडिया हम इंडिया में देखते हैं क्योंकि आपको इंडिया में ही पढ़ने के लिए दिया हुआ है कि कौन से कौन से तीन इसके स्पेशीज़ है तो डिया स्टूडेंट्स पहली जो स्पेशीज़ यहाँ पर आपको दिख रही है पहली स्पेशीज़ का नाम है पेरी प्लानिटा अमेरिकेना अब आपको ये वर्ड याद रखना है क्योंकि ये कॉकरोच का जो ये जो वर्ड आपको दिख रहा है ये जो वर्ड आपको दिख रहा है डिया स्टूडेंट्स ये कॉकरोच का साइंटिफिक नेम है पेरी प्लेटा अमेरिकेना सो इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा ये, ये इंडिया में भी मिलते हैं अपने और उसके बाद है बेटा और ये भी आपको याद रखना है और उसके बाद है बेटा जर्मिनेका तो ये भी आपको याद रखना है ये तीन वर्ड में से आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो वर्ड याद रखना है वो है पेरी प्लेटा अमेरिकेना पैरी प्लानेटा अमेरिकेना अमेरिकेना अमेरिका का से रिलेटेड वर्ड है इसलिए आप याद रख सकते हैं इसका मतलब ये है कि अगर अब मैंने आपको ये कहा कि कॉकरोच का साइंटिफिक नेम क्या है तो आपको ये दो वर्ड याद रखना है पेरी प्लानिटा अमेरिकेना डियर स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं आगे और देखा हमने कि तीन टाइप के स्पेशज़ जो है कॉकरोच के इंडिया में है इस्पेश इसको जूम करके अगर मैं बताऊँ तो आप देख सकते हैं ये जूम करके आपको दिखा रहा हूँ इसमें आप देख सकते हैं पेरी ये जर्मन में जर्मन की जो ओरिजिन है ये काकरोच इसको जर्मन काकरोच बोलते हैं फिर पेरी अमेरिकेना जो है ये वाला जो हमारे इंडिया में अक्सर हम हमारे घरों में देखते हैं और उसके बाद जो डार्क ब्लू कलर का जो डार्क ब्राउन कलर का जो दिख रहा है वो ओरिएंटल कॉकरोच है तो डियर स्टूडेंट्स ये तीन स्पेशीज़ यहाँ पर कॉकरोच के हमको देखने को मिले हैं इस चैप्टर में तो इनकी ये तीन स्पेशीज़ है तीन नस्ल है इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट पेरी प्लानट अमेरिकेना हमको देखना है आ, देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स एक बार फिर से द थ्री स्पेशीज़ ऑफ़ कॉकरोचेस इन इंडिया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये तीन जो स्पीशीज दिख रहे हैं राइट साइड में सबसे नीचे जो आपको दिख रहा है एकदम डार्क ब्राउन या ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ब्लैक कलर का जो दिख रहा है कॉकरोच ये है ओरिएंटल कॉकरोच उसके बाद ऊपर जो दिख रहा है जी जि, जिसको देखकर आप समझ सकते हैं कि ये तो अपने घरों में अक्सर दिखते हैं जिसका नाम है अमेरिकन कॉकरोच यानी पेरे अमेरिकना ये आउटडोर कॉकरोचेस है और इनडोर कॉकरोचेस इंडोर कॉकरोचेस जो है जर्मन ओरिजिन वाला जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है पतला सा फ्लैट बॉडी वाला तो इसको बोलते हैं अपन जर्मन कॉकरोच ठीक है डियर स्टूडेंट्स ये तीन टाइप के कॉकरोच जो है हमारे इंडिया में देखे जाते हैं एक है ओरिएंटल कॉकरोच एक है अमेरिकन कॉकरोच और एक है जर्मन कॉकरोच तो डियर स्टूडेंट को डायग्राम वाइग्राम कुछ भी नहीं बनाना है बस याद रखना है आपको उसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर एलेवन पॉइंट टू पर एलेवन पॉइंट टू क्या है डियर स्टूडेंट्स एलेवन पॉइंट टू है सिस्टेमेटिक पोजीशन यानी सिस्टमेटिक पोजिशन हमको इनकी देखना है कि इनका क्लासिफिकेशन कैसे है तो डिया स्टूडेंट बहुत ही सिंपल है बहुत आसान है आप इसको याद रख सकते हैं आपको बस इतना याद रखना है इसका किंगडम क्या है फाइलम क्या है क्लास जीनस और स्पेशज क्या है तो वन बाय वन करके आपको विध मीनिंग मैं आपको समझा के देता हूँ सिस्टमेटिक पोजिशन यानी दुनिया में इसका क्लासिफिकेशन क्या है तो डिया स्टूडेंट्स इसका सबसे पहले आता है किंगडम इनिमीलिया किंगडम इनिमीलिया मीन्स इसका ये है कि ये जो किंगडम है ये एनिमल को बिलोंग करते हैं यानी कॉकरोच जो है ये एक एनिमल का कॉकरोच जो है ये एक एनिमल है डिया स्टूडेंट्स और एनिमल क्यों है बिकॉज इसके सेल में सेल वॉल इज इस एब्सेंट इसके सेल में सेल वॉल एब्सेंट है इसलिए ये एनिमल है किंगडम इसका एनिमल है और दूसरा इसका न्यूट्रिशन जो है वो हिटेरोट्रॉपिक टाइप का न्यूट्रिशन है यानी ये अपना फूड खुद नहीं प्रोड्यूस करते अपने खुद की बॉडी में इसको खाना खाने के लिए यानी फूड के लिए दूसरे सोर्सेज पे डिपेंड रहना पड़ता है समझ गए हेट्रोट्रॉपिक मीन्स दे डू नॉट दे केन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड इनसाइड देयर ओन बॉडी जैसे प्लांट्स अपना फूड अपनी बॉडी में खुद प्रो, प्रो, प्रोड्यूस कर लेते हैं तैयार कर लेते हैं ऐसे हमारी बॉडी में फूड तैयार नहीं हो सकता है तो इसी तरह कॉकरोच की बॉडी में भी फूड तैयार नहीं हो सकता इसलिए कॉकरोच जो है एनिमल के ग्रुप में डाला गया है अब डिया स्टूडेंट समझ में आ गया आप ये पहला जो किंगडम है इसको किंगडम एनिमेलिया में क्यों रखा गया है क्योंकि इसके सेल में सेल वॉल नहीं है अपसेंट है सेल वॉल क्योंकि प्लांट के सेल में सेल वॉल प्रेजेंट रहती है तो डिया स्टूडेंट्स की किंगडम एनिमल है एनिमेलिया है इस क्योंकि सेल वॉल अपसेंट है और फूड ये खुद तैयार नहीं कर सकते बॉडी में इसलिए

क्या है फाइलम डिया स्टूडेंट्स फाइलम है इसका आर्थ्रोपोडा आर्थ्रोपोडा का आपको मीनिंग बताता हूँ मैं आर्थ्रोपोडा का मीनिंग है आर्थ्रो मीन्स जॉइंटेड पोडा मीन्स लेग्स सो स्टूडेंट्स आर्थ्रोपोडा का मीनिंग यहाँ पर आता है जॉइंटेड लेग्स वाले एनिमल यानी ऐसे एनिमल जिनके पोडा यानी पोडा यानी लेग्स लेग्स यानी पैर इनके पौड़ा जो है जॉइंटेड है जुड़े हुए हैं तो जॉइंटेड प्रेजेंट अपेंडिजिसमेंटेड बॉडी चिटिनस एक्सोस्केलेटन तो इसका मीनिंग क्या है यानी ये ऐसे एनिमल है जिनके पैर जिनके पैर जो पाव होते हैं वो नीचे से एक दूसरे से जॉइंट होते हैं बेस पर तो ऐसे जितने भी एनिमल है दुनिया में जितने भी ऐसे इंसेक्ट हैं तो उनको आर्थ्रोपोडा बोलते हैं जैसे कॉकरोच उसमें से एक है जैसे और, और आप थोड़ा सोचिए तो आपको पता चलेगा एक क्या है और स्पाइडर भी है स्पाइडर की डायग्राम अगर आप देखें तो ये उसकी बॉडी और इसके जॉइंटेड लेग्स इस तरह से होते हैं ओके तो ये जॉइंटेड लेग्स वाले एनिमल जितने भी है दुनिया में क्योंकि इनके लेग्स जो है जॉइंटेड होते हैं इसलिए इनको आर्थ्रोपोडा फाइलम में डाला गया है यानी अर्थरोपोडाफाइलम वाले मतलब ऐसे एनिमल जिनके जॉइंटेड लेग्स हैं तो आप समझ गए होंगे कॉकरोच भी आर्थ्रोपोडा में क्यों डाला गया है ठीक है उसके बाद इनकी बॉडी जो होती है सिगमेंटेड होती है अब सिगमेंटेड बॉडी किसको बोलते हैं ज़रा इधर देखिए आप यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ सिगमेंटेड बॉडी बोलती है इसको अब ये बॉडी है तो इसमें सिगमेंट 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 सिगमेंट्स इस तरह से बॉडी में सेगमेंट सेगमेंट यानी पार्ट 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 के अलग रहते हैं ठीक है तो क्योंकि इनकी बॉडी में सिगमेंट 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 रहते हैं ये जो दिख रहे हैं सिगमेंट 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 तो इसलिए इनको सिगमेंटेड बॉडी बोलते हैं ओके स्टूडेंट और उसके बाद इनकी जो बॉडी है उसके बॉडी पर एक कवर होता है एग्जोस्केलेटन जिसकी वजह से वो स्टिकी स्टिकी लगते हैं तो एक्जोल वो काई के काम में आता है इनके बॉडी को प्रोटेक्शन करता है अंदर जितने भी ऑर्गन है उसकी प्रोटेक्शन करता है बाहर से जैसे स्टूडेंट हमारे बॉडी में जैसे नेल्स होते हैं जैसे फिश की बॉडी में स्केल्स होते हैं ऐसे इसकी बॉडी में एग्जोस्केलेटन होता है जो इसको बाहर से जो है प्रोटेक्ट करता है तो वो कैसे बना होता है चिटिन सी एच आई टी आई एन चिटिन नाम के एक लिक्विड से बना होता है तो इसलिए उसको चिटिना से बोलते हैं तो डिया स्टूडेंट्स अब मुझे होप है कि आपके समझ में आ गया होगा कि फाइलम अर्थ्रोपोडा का क्या मीनिंग है यानी ज्वाइंटेड लेग्स वाले अपेन्डेजस वाले और सिगमेंटेड बॉडी वाले और चिटिनस एक्सोस्केलेटन वाले डिया स्टूडेंट्स उसके बाद आती है क्लास क्लास है इसकी इंसेक्टा डियर स्टूडेंट्स क्लास इंसेक्टा किसको बोलते हैं अब आर्थ्रोपोडा में तो ऐसे बहुत सारे एनिमल है जो जिनके जॉइंटेड पैर है जॉइंटेड लेग्स है तो क्लास इंसेक्टा किसको बोला गया है देखिए याद रखिए क्लास इंसेक्टा मीन्स ऐसे एनिमल ऐसे अर्थरोपोर्ट्स जो विच इज़ हैविंग द टू पेयर्स ऑफ द विंग्स जिनके पास विंग्स है यानी उड़ने के लिए फ्लाई करने के लिए इनके पास पंख है विंग्स है तो उनके पास दो पेयर है कॉकरोच के पार एंड थ्री पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स आर प्रेजेंट्स और चलने के लिए पैर भी है वॉक करने के लिए पैर भी है लेग्स भी जिनके पास लेग्स भी है और विंग्स भी है यानी जो चल भी सकते हैं रन भी कर सकते हैं और फ्लाई भी कर सकते हैं क्योंकि विंग्स भी है जिनके पास विंग्स और लेग्स दोनों होते हैं उनको इंसेक्टा क्लास में डाला गया है तो डियर स्टूडेंट्स आप थोड़ा सा अपने जो है थोड़ा सा अपनी सोच को आगे ले जाइए और ज़रा सोचिए क्लास इंसेक्टा में और कौन आ सकता है क्या बटरफ्लाई उसमें आ सकती है यस बटरफ्लाई के पास भी लेग्स भी हैं और विंग्स भी हैं ठीक है डियर स्टूडेंट्स और बहुत सारे छोटे मोटे जो कीड़े होते हैं उनके पास लेग्स भी होते हैं और विंग्स भी होते हैं और अगर उनके लेग्स जॉइंटेड हैं तो फिर उनको क्लास इंसेक्टा में डाला गया है तो कॉकरोचेस के पास भी तीन पेयर थ्री पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स है यानी चलने के लिए तीन पेयर लेग्स वॉकिंग लेग्स की यूज़ होती है और उड़ने के लिए ये जो है यूज़ करते हैं विंग्स तो डियर स्टूडेंट्स इसलिए इनको क्लास इंसेक्टा में डाला गया है ओके डियर स्टूडेंट्स उसके बाद आते हैं जीनस जीनस में हम देखते हैं इसका जीनस है पेरी प्लानिटा मैंने पहले ही आपको बोला इसका जीनस को याद रखिए और स्पेशज को याद है पेरी प्लानेटा पेरी प्लानिटा इसका जीनस करके फाइलम में क्लासिफिकेशन में सिस्टमेटिक पोर्शन में नाम याद रखिए आप पेरी पी ई आर आई प्लैनट पी एल टी एन ई टी ए पेरी प्लेनेटा पैरी प्लेनेटा जीनस इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि दिस इज़ नॉकटर्नल इन नेचर इसका जो नेचर है वो नॉकटर्नल है यानी नाइट में ये एक्टिव हो जाते हैं और दिन में ये रेस्ट करते हैं इसलिए इसको पेरी प्लेनेटा बोलते हैं और दूसरा इसके जो विंग्स है यानी जिसके जो पंख है वो स्ट्रेट होते हैं यानी जब ये ओपन करते हैं तो इसके पंख स्ट्रेट सीधे सीधे ओपन होते हैं जिसका ये हेल्प लेकर जो है फ़्लाई कर सकते हैं तो स्ट्रेट विंग्स है और नॉक्टर्नल इन नेचर है इसलिए इसको पैरिपलैनेटा जीनस में रखा गया है और उसके बाद है स्पेशीज़ स्पेशीस को जो है अमेरिकेना इसलिए बोला जाता है बिकॉज इट इज़ द ओरिजिन ओरिजिन इज़ इन कॉन्टिनेंट ऑफ अमेरिका ये अमेरिका से इनका ओरिजिन है कि अमेरिका में सबसे पहले वहीं से इनकी शुरुआत हुई थी इनका जो है ओरिजिन वहीं से अमेरिका से इसलिए इनको अमेरिकेना बोला जाता है तो डिया स्टूडेंट्स आई होप कि आपके समझ में आया है सिस्टमेटिक पोजीशन किंगडम एनिमेलिया फाइलम अर्थरोपोडा क्लास इंसेक्टा जीनस स्पेर और स्पेशीज अमेरिकेना क्यों किंगडम इनिमेलिया है क्यों फाइलम अर्थ है क्यों क्लास इंसेक्टा है क्यों जीना स्पे प्लानिटा है इट इज़ हैविंग द स्पेशीज ऑफ अमेरिकन ना एवरी थिंग आई हैव एक्सप्लेन हेयर एज अ अट एलेवन पॉइंट नंबर टू स्टूडेंट दो पॉइंट हमने अभी तक यहाँ पर देख लिया है एलेवन पॉइंट वन हैबिट एंड एलेवन पॉइंट वन हैबिट एंड हैबिटेट्स और एलेवन पॉइंट टू सिस्टमेटिक पोजिशन डिया स्टूडेंट्स अब इस चैप्टर में रह गया क्या है बचा क्या है सिर्फ बचा है एलेवन पॉइंट एलेवन तो उसको भी मैं आपको समझा के देता हूँ लेकिन उससे पहले आप ज़रा ये डायग्राम को देख लीजिए डिया स्टूडेंट्स ये डायग्राम को जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कॉकरोच की बॉडी में यहाँ पर हेड आपको दिखाई दे रहा है ओके ये इसका हेड है हेड में आपको ये एंटीना दिखाई दे रहे हैं जैसे ह्यूमन की बॉडी में मेल्स में मोस्टैच होते हैं मूछ होती है ऐसे इनके बॉडी में ये एंटीना होता है जिससे ये कोई भी ऑब्जेक्ट को टच करके खुद की बॉडी को वहाँ नहीं ले जाते बस ये अपना एंटीना वहाँ पर टच करते हैं जिससे इनकी बॉडी में एक सिग्नल आता है कि वो ऑब्जेक्ट क्या है खाने लायक चीज़ है या कुछ और चीज़ है नॉन एडिबल चीज़ है अगर वो खाने लायक चीज़ है तो फिर ये मतलब कि इसका एंटीना का क्या बेनिफिट मिला इनको कि इनकी ख़ुद बॉडी वहाँ नहीं गई सिर्फ इन्होंने अपना एंटीना उस पर टच कर दिया और इनको सिग्नल आ गया इनके बॉडी में सिग्नल से ये पहचान लेते हैं कि वो खाने की चीज़ है या कोई और चीज़ है अगर वो खाने की चीज़ रही तो वो आगे बढ़ते हैं बॉडी को अपने वहाँ ले जाते हैं और उसको खा लेते हैं अगर वो खाने की चीज़ नहीं है समझ समझ लो कोई दगड़ है या स्टोन वगैरह है तो वो वहाँ से भाग जाते हैं या फिर कभी कभी इनके साथ ऐसा भी धोखा हो जाता है कि अगर ये आ, कोई इनका प्रेडेटर है जो इन पर हमला कर सकता है अटैक कर सकता है इनको शिकार कर सकता है तो और गलती से उन्होंने अपना आ, एंटी नाउस पर ही टच कर दिया तो ये जल्दी से वहाँ पर भाग भाग जाते हैं बिकॉज इट इज़ करसोलियन करसोरियल इन नेचर आल्सो ये जल्दी से रन करते हैं रनिंग टाइप के इनके लेग्स हैं उसके बाद इनके हेड में डियर स्टूडेंट्स एंटीना के साथ साथ कंपाउंड आइज़ भी आपको दिखेंगी इसकी दो आंखें हैं आपको ये भी दिखेगी उसके बाद इसकी बॉडी में एक पार्ट आपको दिखेगा जो हेड के ऊपर है ये वाला पार्ट जिसको बोलते हैं प्रोनोटम डियर स्टूडेंट टाइग्राम वाइग्राम कुछ बनाना नहीं है आपको बस समझा रहा हो आपको समझा के दे रहा हूँ ठीक है उसके बाद आगे बढ़ते हैं इसके बाद बॉडी में ये वाला पार्ट जो दिख रहा है ये ये वाला पार्ट इसको बोलते हैं इसका थोरैक्स तो थोरैक्स को दो तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है जैसे मीज़ोथोरैक्स यानी ये वाला पार्ट मिडल वाला पार्ट उसके बाद प्रोटोथोरैक्स यानी उसके बाद वाला पार्ट और उसके बाद मेटाथोरैक्स यानी ये वाला पार्ट ओके तो थोरैक्स यानी बॉडी का ये पार्ट जो हेड के बाद है ओके तो इस पार्ट को हम थोरैक्स बोलते हैं और ये जो थोरैक्स है मीज़ोथोरैक्स इस मीज़ोथरैक्स में इस मीज़ोथोरैक्स वाले पार्ट में आपको जो है दो टाइप के विंग्स दिखेंगे एक ये और एक ये इसको बोलते हैं विंग्स तो ये जो पंख है इनके देखिए आप स्ट्रेट ओपन हो रहे हैं इसलिए इनको आ, क्लासिफिकेशन में पेरिप्लैनड जीनस में डाला हुआ है ओके तो पहले वाले विंग्स को टैगमीना बोलते हैं और दूसरे वाले विंग्स को हिंड विंग्स बोलते हैं ठीक है ठीके? दो पेयर है जिसमें से एक एक अभी इसने ओपन करके दिखाया दूसरे वाला ये बंद है ओके उसके बाद जो है आगे हम बढ़ते हैं अब इसके पास आपको इसके लेग्स भी दिख रहे होंगे तो आप ये देख सकते हैं इसके लेग्स ओके ये इसके लेग्स हैं तो ये लेग्स भी इसके आप यहाँ पर देख सकते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं लेग्स की आपको तीन पेयर दिख रही है एक ये है दूसरा ये वाला ये है एंड थर्ड वन इज़ दिस वन ये एक साइड के लेग्स है ये साइड के लेग्स यहाँ पर हाइड हुए हुए हैं जो अपने को नहीं दिख रहे हैं तो इतना याद रखिए थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स एंड टू पेयर्स ऑफ विंग्स इनके पास है उसके बाद बचा हुआ पार्ट डियर स्टूडेंट्स आपको जो दिख रहा है ये वाला पार्ट ये वाले पार्ट को क्या बोलते हैं इनका एपडोम तो ये इसके एपडोमे है और इसमें आपको दिख रहे होंगे सेगमेंट 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 तो इसमें सेगमेंटेड अपेन्डेजेस इसमें रहते हैं डियर स्टूडेंट्स आई होप कि आपको समझ में आ रहा है एंड लास्ट वाला जो पार्ट है इसमें एनल कॉर्ड यहाँ पर आपको दिख रहा है इस तरह से एक कॉकरोच की बॉडी होती है जो आपको यहाँ पर मैंने समझाया हूँ उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आगे की तरफ बढ़ते हैं सिस्टमेटिक पोजिशन आप देख सकते हैं फिर से एक बार आपको समझाते देता मैंने में मी लिया है क्यों है आपको सब रीजंस बताया हो फाइलम अर्थरो है बिकॉज जॉइंटेड लेग्स अर्थरो का मीन्स होता है जॉइंटेड एंड पोडा का मीन्स होता है लेग्स एंड दे हैव अ जॉइंटेड अपेंडेज बॉडी इज चिटिनस एंड सिगमेंटेड क्लास इंसेक्टा क्यों है बिकॉज दे पॉज टू पेयर्स ऑफ फ्लाइट अपेंडेजेस यानी विंग्स की दो पेयर है इनके पास एंड थ्री पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स और वॉकिंग लेग्स की तीन पेयर है उसके बाद जीनस पेरीप्लेटा क्यों है बिकॉज इट इज हैविंग द स्ट्रेट विंग्स इसके बाद स्ट्रेट विंग्स है इन नेचर है एक्टिव होते हैं नाइट में और एक और ख़ास बात चेविंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट इसके जो माउथ पार्ट है वो चेविंग टाइप है यानी इसके जो अपना खाना है उसको चेव करते हैं चबाते हैं चबा के खाते हैं इसलिए इसको जीनस पैरी प्लानिटर में डाला गया और उसके बाद स्पेशस जो है स्पेशीज़ क्योंकि ये अमेरिका के यू के यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के मैक्सिको शहर से इसका औरिजिन देखा गया है इसलिए इसको अमेरिकेना बोलते हैं ओके डियर स्टूडेंट्स तो ये है इसका सिस्टमेटिक पोजिशन एक बार फिर से आप देख सकते हैं ये डायग्राम को ओके वैसे तो वैसे तो इसके पहले आपको मैंने समझा दिया हो आपको यह क्लियर क्लियर दिख रहे होंगे ये एंटीना ये कंपाउंड आइस ये इसका हेड ओके okay? फिर उसके बाद विंग्स दो टाइप के विंग्स और उसमें फिर प्रोटोथेरक्स मीजोथेरैक्स मेटाथोरक्स ये वाला पार्ट मीजोथेरेक्सी ये वाला पार्ट और मेटाथोरेक्स ये वाला पार्ट उसके बाद जो बचे हुए जितने भी पार्ट दिख रहे हैं उसको बोलते हैं एपडोमन एप्डोमन में सिगमेंटेड सेगमेंटेड पोर्शन आपको दिख रहा है इसलिए सेगमेंटेड एपडोमैन ओके फिर लास्ट में जो छोटे छोटे पैर की तरह दिख रहा है लास्ट में उसको स्टाइलस बोलते हैं और ये जो थोरेक्स है मीज़ो प्रो और मेटा इसमें आपको लेग्स मिलेंगे ये आगे का लेग्स फोर लेग ये बीच का लेग मिड लेग और ये सबसे पीछे का हाइंड लेग ओके और एक पेयर इसमें सर्कस की भी दिखती है ओके डिया स्टूडेंट तो ये डायग्राम आपने कॉकरोच की देखी जो उसको आपको सिर्फ समझना था बनाना ना कुछ नहीं था ओके डियर स्टूडेंट्स आप आते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ इस चैप्टर के और लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का एलेवन पॉइंट एलेवन यानी मेन काइंड से इसका इंटरेक्शन यानी इंसानों से ह्यूमन बीइंग से इसका क्या इंटरेक्शन है क्या कोर्डिनेशन uh, है क्या ये इंसानों की लाइफ से जुड़ा हुआ है यस देर इज अं इंटरेक्शन विद द मैन काइंड कॉकरोच इस कॉज इज डैमेज टू द हाउस होल्ड मटेरियल्स लाइक अ क्लॉथ्स शूज एंड पेपर्स डियर स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि काक्रोचेस से हमको हमेशा कोई फायदा कुछ नहीं है बस नुकसान ही नुकसान नुकसान है क्योंकि ये हमारे हाउस होल्ड मटेरियल जैसे अपने कपड़े हैं अपने शूज़ है अपने पेपर्स वगैरह जो होते हैं उसको और अपनी जो दे आल्सो ईट एंड डिस्ट्रॉय द फूड स्टफ़ जो हम खाना फूड जो है फूड ग्रेन्स या फूड अपन जो जमा करके रखते हैं उसको फूड स्टफ़ को भी ये हमारे डिस्ट्रॉय करते हैं ख़राब करते हैं और अपना खाना भी ये खाते हैं और अपने क्लॉथ्स शूज़ और पेपर्स सबको ये डिस्टर्ब करते हैं डैमेज करते हैं इसलिए अपना एक कनेक्शन है इनसे क्योंकि ये इंसानों के घरों में ही ज़्यादातर देखे गए हैं दे कॉन्टेमिनेट फूड विच गिव्स द टिपिकल स्मेल एंड मेक इट अनपैलाटेबल डियर स्टूडेंट्स का मीनिंग क्या है कि ये अपना जो फ़ूड है उसको कॉन्टेमिनेट करते हैं उसको ख़राब करते हैं विच गिव्स अ टिपिकल स्मेल जिसकी एक ख़ास स्मेल आती है आप समझ गए होंगे कॉकरोच जब हमारे फूड को ख़राब करते हैं तो उसकी एक ख़ास स्मेल आती है जिसके जरिए हम समझ सकते हैं कि अब ये खाना जो है अनपैलेटेबल हो गया है यानी अनप्लीजेंट स्मेल इसमें आ रही है ऐसी स्मेल जिसको आप अब नहीं खा सकते ऐसा खाना जिसको अब जो खाने लायक बचा नहीं है जिसका एकदम टेस्ट भी ख़राब हो गया है उसको अनपैलेटेबल बोलते हैं तो कॉकरोच उसको डैमेज कर देते हैं ख़राब कर देते हैं उसके बाद सेकेंड पॉइंट अगर थर्ड पॉइंट अगर देखें तो एज दे लिव इन अ सीवेज पाइप्स एंड अ गटर होल्स दे कैरी विद देम हार्मफुल ये हार्मफुल स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि काकरोचे से हमको बहुत सारे जो है डिजीजेज़ भी हो सकती है तो क्योंकि ये सीवेज पाइप में जो ड्रेनेज के पाइप होते हैं नालियों हो के जो पाइप होते हैं उसमें अंदर से घूम फिर के आते हैं गटर्स में से जो है गटर्स के होल्स में से बाहर आते हैं तो इसलिए गटर और पाइप्स में जो हार्मफुल पैथोजेंस होते हैं पैथोजेंस यानी ऐसे एनिमल जिनसे हमको डिजीज होती है तो वो पैथोजेंस भी वो बैक्टीरिया वो जो वायरसेस होते हैं उसके अंदर ख़ासकर बैक्टीरिया वो भी उनके बॉडी पर अटैच होकर आ जाते हैं एंड दैट कॉजेज द डिजीजेस टू अस जिनके कारण हमको बहुत सारी डिजीजेज़ होती है कैसी जैसे फॉर एग्जांपल कॉलेरा डायरिया ट्यूबरकॉसिस टाइफॉयड टाइप की डिजीजेस उनके बॉडी पर जो बैक्टीरिया आ जाते हैं उसकी वजह से हो सकते हैं डिया स्टूडेंट्स तो आप समझ रहे होगे कि काक्रोचेज से हमारा क्या इंटरेक्शन चौथा पॉइंट अगर देखें तो काक्रोचेज सर्व एज अ पार्ट ऑफ अ फूड चेन अब दुनिया में डिया स्टूडेंट्स एक फूड चेन चलती है फूड चैन का मीनिंग ये है कि हर छोटा छोटा एनिमल अपने से बड़े एनिमल का या अपने से बड़े लिविंग ऑर्गेनिज्म का शिकार हो जाता है क्योंकि छोटा एनिमल बड़े एनिमल को कहीं ना कहीं खा लेता है तो फिर उससे बड़ा उसको खाता है उससे बड़ा उसको खाता है इस तरह से एनर्जी एक दूसरे की बॉडी में ट्रांसफ़र होती रहती है और इसी को फूड चैन या एनर्जी चैन बोलते हैं तो काकरोच को भी कोई ना कोई खाता होगा तो मेनी एम्फीबियंस एंड द बर्ड्स मैनी एम्फीबियंस एंड द बर्ड्स लाइक लिजर्ट्स रोडेंट्स पे अपॉन दैम एंड मेकिंग दैम अ पार्ट ऑफ द आयर फोर्ट चैन बहुत सारे लिजर्ट्स जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स जो है ये देख रहे हो गए आप ये जो इस तरह के इस्पैरो होते हैं इस तरह के छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं लिजर्ट जो होती है ये काक्रोच फ़्रॉग जो होती है कॉकरोच को खाती है फिर उनको उनसे बड़े एनिमल खाते हैं उनको उनसे बड़े एनिमल खाते हैं इस तरह से ये फूड चेन चलती रहती है तो काकरोचेज़ को भी लिजार्ड्स रोडेंट्स यानी जो रैट्स वगैरह होते हैं जो बिल के अंदर रहते हैं बड़े बड़े वो और एम्फीबियंस जो पानी और ज़मीन दोनों पर रहते हैं वाटर और लैंड दोनों पर रहते हैं वो इनको खाते हैं तो उससे हमको मिल सकता है फूड चेन मेंटेन रहता है दुनिया में नेचुरल प्रेडेटर्स ऑफ द कॉकरोच काक्रोच को नेचुरली कौन कौन खाता है तो आप यहाँ देख सकते हैं काकरोचेस को टोट्स खाते हैं फ्रॉग जो है कॉकरोच को खाते हैं जेकॉस इनको खाते हैं और उसके बाद इगुनास इनको खाते हैं और उसके बाद पैरासिटिक वास्प इनको खा सकते हैं ये इनके प्रेडेटर है यानी इनका ये शिकार करते हैं उसके बाद डियर स्टूडेंट दे आर आल्सो इटन बाय द सर्टेन ग्रुप्स ऑफ द पीपल्स इन द साउथ अमेरिका चाइना एंड म्यांमार डियर स्टूडेंट साउथ अमेरिका के लोग चाइना के लोग और म्यन्मार के कुछ परसेंट लोग हैं जो काक्रोचेज़ को डायरेक्ट एज अ फूड ईट करते हैं खाते हैं ओके उसके बाद पांचवा पॉइंट हम देखते हैं इज यूज एज अ एक्सपेरिमेंटल एनिमल इन द लेबॉट्रीजिया स्टूडेंट अभी तक हमने सिर्फ इनके नुकसान देखे लेकिन एक फ़ायदा भी आप देख सकते हैं कि काक्रोचेज़ को जो है हम एक्सपेरिमेंटल यूज़ के लिए लेबार्ट्री में यूज़ कर सकते हैं यानी कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है तो कॉकरोच ईजीली अवेलेबल होते हैं और कोई बहुत बड़ा दुनिया को खतरा नहीं है उनके ख़त्म होने से तो इसलिए ये हमारे एक्सपेरिमेंट का एक बहुत बढ़िया सोर्स है एंड फॉर द बायोलॉजिकल एज दे कैन भी ऑप्टेंट इजीली विदिंग द डैमेज टू द एकोलॉजिकल बैलेंस एकोलॉजिकल बैलेंस को डैमेज किए बगैर हम जितने चाहे उतने काक्रोच उसका यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करने के बाद उन पर एक अच्छा रिजल्ट हम देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स आपको यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट इस डायग्राम में एक जो चीज़ दिख रही होगी वो है इसके जॉइंटेड लेग्स दिख रहे हैं आपको ये जो जॉइंटेड लेग्स है ये वाला लेग्स ये इससे जॉइंट है ये वाला लेग्स यहाँ पर इससे जॉइंट है ये वाला लेग्स यहाँ पर इससे जॉइंट है क्योंकि इनके जॉइंटेड लेग्स है इसलिए इनको फाइलम में डाला हुआ है तो डियर स्टूडेंट पाँचवां पॉइंट हमने देखा अब देखते हैं कंट्रोल मेजर्स एज कॉकरोच इकोनॉमिकली हार्मफुल ऑर्गेनिज्म इट मस्ट बी कंट्रोल इन एन इफिशेंट वे सम ऑफ द मेजर्स जो हम देख सकते हैं इकोनॉमिकली हार्मफुल ऑर्गेनिज्म इट मस्ट बी कंट्रोल इन एन इस एफिशेंट वे तो इसको कंट्रोल करना ही चाहिए क्योंकि इकोनॉमिकली ये हम हमारे लिए हार्मफुल है तो गुड सैनिटेशन या स्टूडेंट्स जो है अच्छे से सैनिटाइज से करना चाहिए उन जगहों को जहाँ पर इनका हैबिटेट है जहाँ पर इनका घर है तो डार्क एंड हीड प्लेस ऑफ द किचन किचन में जहाँ पर अंधेरा डार्क रहती है ह्यूमड प्लेस रहती है जहाँ पर किचन uh, में आपके जो पार्ट है जैसे कबर्ड्स है ट्रॉलीस है इट मस्ट बी क्लीन रेगुलरली इसको एक रेगुलर पीरियड के बाद क्लीन करना चाहिए क्योंकि अगर बहुत दिनों तक क्लीन अग उसको नहीं किया तो कॉकरोचेस ईजीली वहाँ पर अपना घर बना लेते हैं क्रैक्स एंड क्रीविसस एंड सच एरियाज मस्ट बी फिल्ड अगर आपके घर में दीवारों में uh, क्रैक्स है और छोटे छोटे होल है तो उनको जो है uh, सीमेंट या सैंड से भर देना चाहिए उसको फिलअप कर देना चाहिए ओके देयर शुड नॉट बी एनी प्लेस इन द होम वे आर एक्मलेशन ऑफ द गार्बेज मे टेक्स प्लेस घर में कोई भी जगह ऐसी ना हो जहाँ पर आप गारबेज जमा करके स्टोर करके बहुत दिनों तक रखते हैं कचरा वगैरह जो है जल्दी से उसको फेंक देना चाहिए क्योंकि वहाँ पर कॉकरोचेस आ जाती हैं उनको स्मेल आ जाती है ओके इंडिया स्टूडेंट उसके बाद एक और देख सकते हैं कंट्रोल मिजन में कॉकरोचेस फ्रिक्वेंटली एंटर्स होम बाय माइग्रेटिंग फ्रॉम द सीवर कनेक्शन इफ़ द ड्रेन ट्रैप इज़ ड्राई डी स्टूडेंट्स जो सीवेज के पाइप जो होते हैं जिसमें ये रहते हैं अगर वो ड्राई रहे तो उसमें से होते हुए घरों से आ, घरों के अंदर ये जो माइग्रेट कर लेते हैं फ्रिकुंटली इट फ्रिकुंटली एंट्रस होम बाय माइग्रेटिंग फ्राम द सीवर कनेक्शन जो सीवेज के पाइप वाइप होते हैं उसमें से ये डायरेक्ट अपने घर में एंट्री कर लेते हैं जो ड्रेनेज के पाइप होते हैं अगर वो ड्राई रहे तो, तो इसका फिर सोल्यूशन क्या है सो ऑलवेज़ कीप द ट्रेन ट्रैप फेल्ड विथ वाटर तो उसमें हमेशा पानी भरा हुआ होना चाहिए ताकि उनको आने के लिए रास्ता ना मिले ओके डियर स्टूडेंट्स उसके बाद जो है ये आप देख सकते हैं इस एरिया से वो अपने घर में एंट्री कर सकते हैं ओके okay? तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी इस तरह से स्टोरेज नहीं होना चाहिए ओके डियर स्टूडेंट्स तो यहाँ पर हमने ये पॉइंट देखा और केमिकल जो कंट्रोल मीज़र है वो तो आपको पता ही है औरगे औरगेनोफॉस्पेट्स कारबामेट्स पैरीथोरइट्स पायरीथ्रॉइड्स एंड बोरिक एसिड ये जो है केमिकल्स कुछ एसिड्स और केमिकल्स हैं आर एफिशिएंट पॉइजन ऑफ कॉकरोच कॉकरोच उसको मारने के पॉइजन हैं वेरियस टाइप्स ऑफ दे आर फार्मोलेशन आर अवेलेबल इन द डिफरेंट ब्रांड्स नेम तो इसका हमने यूज़ करना चाहिए कॉकरोच उसको मारने के लिए केमिकली डस्ट ब्रांड्स जैसे कि ये लक्ष्मण रेखा करके आपको दिख रहा है ये चौक जो आता है ये चौक जो है कॉकरोच को मारने के लिए और बेगॉन्स जो है इसकी भी ऐड आप देखते होंगे ये इस हम इसको यूज़ कर सकते हैं स्प्रे को और काक्रोच को हमारे घर से ख़त्म कर सकते हैं ओके डियर स्टूडेंट्स दिस इज अबाउट दिस चैप्टर हमने यहाँ इस चैप्टर में थ्री पॉइंट्स देखे पॉइंट नंबर अलेवन पॉइंट वन पॉइंट नंबर अलेवन पॉइंट टू एंड पॉइंट नंबर एलेवन पॉइंट एलेवन और बचे हुए जितने भी पॉइंट है अलेवन पॉइंट टू सॉरीवन पॉइंट थ्री एलेवन पॉइंट फोर एलेवन पॉइंट फाइव एलेवन पॉइंट सिक्स सेवन एट नाइन और अलेवन पॉइंट टेन ये सब के सब टॉपिक इस चैप्टर से रिमूव कर दिए गए हैं बिकॉज ऑफ द कोरोना टोडिया स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और आई होप कि आपके समझ में आया है और आ, जो है इसके बाद हम इस पर एक्सरसाइज करेंगे थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए पटेल साइंस अकेडमी एंड प्लीज़ डू लाइक like, शेयर एंड कमेंट्स कमेंट कर, करना ना भूलिए कमेंट ज़रूर कीजिए और लाइक कीजिए शेयर कीजिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस इज शेरासर सेंग गुड बाय